हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और स्टूडेंट्स, हम सीरीज़ को लेकर के जो मॉड्यूल 3 में सीरीज वाला टॉपिक है उसके हमारे दो टेस्ट बचे हुए हैं। एक तो रेशियो टेस्ट, रेबेज टेस्ट और लॉगरिथम टेस्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक दो क्वेश्चन उसके भी डिस्कस कर लेंगे। तो 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इसके आज आपको कराऊंगा। तो ये हमारा जो सीरीज वाला पोर्शन है फिनिश होगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा फोरियर सीरीज के क्वेश्चन, ठीक है, जो कि हमारे लास्ट टॉपिक होंगे। फिर हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सारे फिनिश हो जाएंगे। तो हम 26 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रेबेज टेस्ट और रेशियो टेस्ट को लेकर। रेशियो टेस्ट को हम डिलंबर्ट रेशियो टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूज आपको नहीं होना है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा है आपको कि जो रेशियो टेस्ट होता है उसका स्टेटमेंट, इफ़ लिमिट एंटेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की लिमिट हमारी एल आ जाए फॉर द पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन यू एन, ठीक है, तो एल की वैल्यू पर डिपेंड करती है सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। मैंने आपको बताया था जब एल लेस देन वन होगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, यानी कि ऑप्शन करेक्ट है। जब एल की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट होगी, और जब एल की वैल्यू वन होगी तो ये टेस्ट जो है आपका फेल हो जाएगा, तो यानी कि इसका ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये हमारा डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें कि तीनों ऑप्शन करेक्ट है। रेशियो टेस्ट या डिलंबर्ट रेशियो टेस्ट में एल की वैल्यू लेस देन वन लेने पर आने पर कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन आने पर डाइवर्जेंट, बराबर वन आने पर टेस्ट आपका फेल होगा। और जब ये टेस्ट फेल होता है तो रेशियो टेस्ट के बाद हम लगाते हैं इसमें रेबेज या लॉगरिथम, ठीक है। फिर इसी को थोड़ा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, 2 में द पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन यू एन इज कन्वर्जेंट, इफ़ सीरीज जो हमारी कन्वर्जेंट होगी यदि यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की आप लिमिट निकालें वो हमारी लेस देन वन आए, तो ये हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके कहा है कि जो पॉजिटिव टर्म सीरीज समेशन यू एन है वो डाइवर्जेंट होगी इफ़ यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की आप लिमिट निकालें वो हमारी ग्रेटर देन वन हो जाए। मतलब रेशियो टेस्ट को 200 में ब्रेक करके मैंने 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है। अब इस रेशियो टेस्ट के हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसको मैंने अप्लाई करने का तरीका बताया था, ठीक है, आपको अपने वीडियो लेक्चर्स में, उसमें मैंने आपको बताया था कि यदि फैक्टोरियल आपका क्वेश्चन में है तो वो रेशियो टेस्ट से ही होगा, ठीक है, और यदि ऊपर भी पॉलिनोमियल एन में है नीचे भी पॉलिनोमियल है तो कंपेरिजन टेस्ट में होगा। और कोची रूट टेस्ट में मैंने आपको बताया था यदि पावर में एन एन स्क्वायर एन की पावर 3 इस तरह हो तो कोची रूट टेस्ट लगता है। सब चीज़ें आपको मैं लेक्चर्स में बता चुका हूँ, अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे तो। अगर आप वीडियो लेक्चर देख करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हो पाएंगे, वैसे तो आपको ये समझ में नहीं आएंगे शायद, ठीक है, तो वीडियो लेक्चर को देख करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 4th क्वेश्चन दिया, इसमें सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी बतानी है, तो हमें बिना लेट किए उसमें यू एन फाइंड करना है। यू एन की अगर बात करें तो ऊपर है फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, उसका जो nth टर्म आएगा वो फैक्टोरियल n प्लस 1 हो जाएगा। अपॉन में आपको दिया है 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, यानी कि 3 की पावर n हो जाएगा। तो हमें इसमें यू एन प्लस 1 फाइंड करना है। यदि आप यू एन प्लस 1 को फाइंड करते हो तो फैक्टोरियल n प्लस 2 हो जाएगा और अपॉन में 3 की पावर n प्लस 1 हो जाएगा। बस दोनों को डिवाइड कर देंगे, यू एन प्लस 1 को यू एन से अगर डिवाइड करते हैं तो फैक्टोरियल n प्लस 2 अपॉन 3 की पावर n इंटू 3 लिख देता हूँ उसको मैं, और ये उल्टा हो जाएगा 3 की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस 1। कुछ चीज़ें यहाँ पर कट जाती है, 3 की पावर n से 3 की पावर n कट जाएगा। फैक्टोरियल n प्लस 2 को ओपन करेंगे तो फैक्टोरियल n प्लस 1 से n प्लस 1 कटेगा, तो ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, 3 की पावर n से 3 की पावर n और फैक्टोरियल से फैक्टोरियल, तो ये वैल्यू मिलेगी। बस इसी की हमें लिमिट निकाल देनी है। यदि आप इसकी लिमिट निकालते हो यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन की, तो यहाँ पर आपको n को इन्फिनिटी रखना पड़ेगा, और n को इन्फिनिटी रखने पर आपको ये n प्लस 2 अपॉन 3 से इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी, और इन्फिनिटी तो 1 से बड़ा होता है, और अगर आपको 1 से बड़ी वैल्यू मिलती है तो जो रेशियो टेस्ट होता है, ऊपर मैंने डेफिनेशन बताई है कि सीरीज आपकी डाइवर्जेंट होगी, तो ये सीरीज हमारी डाइवर्जेंट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन होते हैं हमारे भाई। फिर क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, उसमें आपको जो है यू एन गिविन है, तो इसको पहले मैं थोड़ा सा रब कर लेता हूँ। उसमें आपको यू एन गिविन है, यू एन की वैल्यू हो जाएगी फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, यानी कि फैक्टोरियल n ऊपर, और नीचे आपको मिलेगा 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, यानी कि n की पावर n।
यू एन प्लस वन हो जाएगा फैक्टोरियल एन प्लस वन और एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन। और जब आप डिवाइड करोगे तो फैक्टोरियल एन प्लस वन को लिख सकते हैं हम एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, और नीचे जो पावर है उसको भी हम लिख सकते हैं एन प्लस वन की पावर एन और इंटू एन प्लस वन, और इसको उल्टा ले जाके लिख देंगे एन की पावर एन फैक्टोरियल एन, तो इसमें काफ़ी चीज़ें कट जाएगी, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, और एन की पावर एन भी कॉमन लेके हम काट देंगे तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। और जब दोनों साइड में आप लिमिट निकालेंगे तो आपको इसकी वैल्यू पता है कि इसकी वैल्यू होती है हमारी लिमिट की ई वन प्लस वन अपॉन एन की पावर एन की जो वैल्यू होती है ई होती है, तो वन अपॉन ई आएगा, वन अपॉन ई लेस देन वन होता है तो सीरीज हमारी हो जाएगी कन्वर्जेंट। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स, मुझे टाइम इसलिए लगता है क्योंकि थोड़ा सा मिटाना भी पड़ता है मुझे। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स में आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर सिक्स में आए तो यू एन निकालेंगे, यू एन की वैल्यू वन अपॉन फैक्टोरियल वन, वन अपॉन फैक्टोरियल टू, वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, यानी कि वन अपॉन फैक्टोरियल एन होगा, ये फैक्टोरियल एन प्लस वन हो जाएगा। जब डिवाइड करेंगे तो वन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन को हम लिख देंगे एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, और ये उल्टा होकर के फैक्टोरियल एन अपॉन वन होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन अपॉन एन प्लस वन वैल्यू मिलेगी। और जब आप इसकी लिमिट फाइंड करेंगे तो एन को इन्फिनिटी रखने पर जीरो आएगा जो कि लेस देन वन होता है, और लेस देन वन पे आपको सीरीज मिलती है कन्वर्जेंट। ठीक है, लेस देन वन पे सीरीज कन्वर्जेंट होती है, ग्रेटर देन वन पे सीरीज डाइवर्जेंट होती है, जैसे कि आपने रेशियो टेस्ट में ऊपर पढ़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर सेवन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर सेवन भी ऑलमोस्ट सेम है, देखता हूँ अगर ऊपर जगह मिल जाए, हाँ हो जाएगा, तो क्वेश्चन सेवन को भी कर देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो हमें यू एन फाइंड करना है, उसमें ऊपर दिया आपको सीरीज टू थ्री फोर, टू थ्री फोर का जो एनवर टर्म होता है वो एन प्लस वन होगा, है ना, और नीचे आपको मिलेगा फैक्टोरियल एन। यदि आप इसमें यू एन प्लस वन निकालोगे तो ऊपर एन प्लस टू, नीचे फैक्टोरियल एन प्लस वन हो जाएगा, और यदि यू एन प्लस वन को यू एन से डिवाइड करोगे तो एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल एन, इसको मैं ब्रेक करके लिखता हूँ, ये उल्टा हो जाएगा फैक्टोरियल एन एन प्लस वन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो हमारा फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कैंसिल आउट हो जाएगा, और कैंसिल आउट होने पर जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो वैल्यू क्या होगी, एन प्लस टू अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो ये आपको एन प्लस टू ऊपर मिलेगा और नीचे एन प्लस वन का होल स्क्वायर मिलेगा, तो ऊपर से मैं ले लेता हूँ एन कॉमन तो वन प्लस टू अपॉन एन होगा, और नीचे से भी मैं एन कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ से आपको मिलता है वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, जस्ट वेट, टू थ्री फोर, टू थ्री फोर का जो nth टर्म होगा वो n प्लस वन होगा अपॉन फैक्टोरियल n, यू एन प्लस वन में ये ठीक है हमारा, यू एन प्लस वन को ऐसे लिख सकते हैं और ये हो जाएगा ऐसे, इसको सोल्व करके लिमिट वन मिलेगी आपको, और लिमिट वन पर ही आपका जो टेस्ट है फेल हो जाएगा, यानी कि इसमें कुछ मिस्टेक है, क्वेश्चन नंबर सेवन जो है उसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि ये टेस्ट फेल होगा तो इस वाले मेथड से तो नहीं हो पाएगा। इसमें ऑप्शन बना देता हूँ मैं, जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो लिमिट निकालने पर आपको यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की लिमिट जो है ऊपर से वन मिलेगी और नीचे से वन का स्क्वायर यानी कि वन ही आएगी। ठीक है, तो ये हमें वन लिमिट देगी, और वन लिमिट पर टेस्ट आपका जो है रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रेशियो टेस्ट फेल, एक ऑप्शन बना देता हूँ रेशियो टेस्ट फेल। ठीक है, तो ये इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, इसको हम आगे दूसरे टेस्ट से कर सकते हैं जो कि हमारा रैबिज टेस्ट होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी मैंने आपको रैबिज टेस्ट नहीं बताया तो इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, उसमें भी हमें एक सीरीज दी है, और सीरीज को देखा जाए तो वन प्लस टू अपॉन थ्री प्लस फोर अपॉन नाइन प्लस एट अपॉन ट्वेंटी सेवन, ये आपकी सीरीज है, और अगर यहाँ पर यू एन को निकाला जाए तो ये ए पी तो बनेगी हमारी, और इसमें हम चाहे तो फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, जीपी बनेगी, तो जीपी का तो फॉर्मूला हम पहले से जानते हैं, यहाँ पर जो कॉमन रेशियो है वो निकाल लीजिए, आर आर की वैल्यू टू अपॉन थ्री होगी जो लेस देन वन होता है, और लेस देन वन अगर कॉमन रेशियो है तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी,
तो इसमें रेशियो टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। रेशियो टेस्ट से भी निकालोगे तब भी ये कन्वर्जेंट ही आएगा, ठीक है, आप फाइंड करके देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको यू एन ऑलरेडी गिवन है, बस आपको क्या करना है, यू एन प्लस वन फाइंड करना है। यू एन गिवन है एन स्क्वायर अपॉन टू की पावर एन, यू एन प्लस वन हमारा हो जाएगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन टू की पावर एन प्लस वन। दोनों को डिवाइड कर देंगे, जब यू एन प्लस वन को यू एन से डिवाइड करेंगे तो ऊपर मिलेगा एन प्लस वन का होल स्क्वायर, नीचे टू की पावर एन इंटू टू लिख देता हूँ, ये उल्टा हो करके टू की पावर एन एन स्क्वायर मिलेगा। तो यहाँ पर टू की पावर एन से टू की पावर एन कटेगा, और एन स्क्वायर से भी मैं एन स्क्वायर कॉमन लेके काट दूंगा तो वन अपॉन टू और वन प्लस वन अपॉन एन का होल स्क्वायर मिलेगा। और जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो वन अपॉन टू आएगी, और वन अपॉन टू जो वैल्यू है लेस देन वन होती है, यानी कि सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। क्वेश्चन 10 में जो आपको दिया है, क्वेश्चन 10 में यू एन की वैल्यू है टू की पावर एन अपॉन एन की पावर थ्री, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, इसी में कर देता हूँ। तो उसमें आपको दी है वैल्यू टू की पावर एन अपॉन एन की पावर थ्री, तो ये हो जाएगा टू की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन की पावर थ्री। तो यू एन प्लस वन को यानी कि टू की पावर एन इंटू टू लिख देता हूँ, और नीचे एन प्लस वन की पावर थ्री लिख देता हूँ, इंटू उसको उल्टा करके लिखेंगे तो एन की पावर थ्री और टू की पावर एन, कुछ चीज़ें कट जाएगी टू की पावर एन से टू की पावर एन, ऊपर टू बचेगा, एन की पावर थ्री को भी कॉमन लेके काट दूंगा। और जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो 2 आएगी, 2 हमारी 1 से बड़ी होती है, और 1 से बड़ी वैल्यू पर आपकी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें यू एन गिवन है 2 की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, तो यू एन प्लस 1 फाइंड हो जाएगा जो कि 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 आएगा। यू एन प्लस वन को यू एन से डिवाइड कर देते हैं तो ये मिलेगा टू की पावर एन इंटू टू, अलग अलग करके लिख देता हूँ, और नीचे आपको मिलता है डिवाइड करके ये एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने होल स्क्वायर खोल करके, इंटू एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन टू की पावर एन। जो चीज़ें कटेगी वो काट देंगे, टू बाहर आएगा, टू की पावर एन से टू की पावर एन कटेगा, एन स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो और एन स्क्वायर ही नीचे से कॉमन ले लीजिए, तो ये 2 अपॉन एन प्लस 2 अपॉन एन स्क्वायर। एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो आपको यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो 1 मिलेगी, तो इसकी लिमिट 2 आएगी जो 1 से बड़ी होती है, 1 से बड़ी पर वैल्यू जो आपका रेशियो टेस्ट है वो डाइवर्जेंट वैल्यू देता है, तो ये इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, ऑलमोस्ट ये भी हमारा सेम ही है। जो भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन है, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन हमेशा रेशियो टेस्ट से ही होते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप इसमें। अब इसमें आपको यू एन गिवन है फैक्टोरियल एन टू की पावर एन अपॉन एन की पावर एन, तो फैक्टोरियल यू एन प्लस वन निकालो, फैक्टोरियल एन प्लस वन टू की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन, ठीक है। और यदि आप यू एन प्लस वन को यू एन से डिवाइड करते हैं तो फैक्टोरियल एन प्लस वन को लिख दिया मैंने एन प्लस वन फैक्टोरियल n, 2 की पावर n इंटू टू लिख दिया ब्रेक करके ताकि वो डायरेक्ट कट जाए, और n प्लस वन की पावर को भी मैंने ब्रेक कर दिया n प्लस वन की पावर n और n प्लस वन, और इन टू में आपको मिलता है ये यू एन जो है ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा, और काफ़ी सारी टर्म यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 की पावर n से 2 की पावर n, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल कट जाएगा, और n प्लस वन से n प्लस वन कटेगा, ऊपर 2 मिलेगा, n की पावर n से भी n की पावर n कॉमन लेके काट दूंगा, तो यहाँ से आपको मिलता है ये 1 प्लस वन अपॉन एन की पावर एन, एन की पावर एन टू, ये कट जाएगा, तो ये हमें वैल्यू मिलेगी। जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो 2 अपॉन इसकी लिमिट आपकी ई होती है, तो 2 अपॉन ई की वैल्यू जो होगी हमारी वो लेस देन 1 आती है, लेस देन 1 जो आएगी वैल्यू तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट हो जाएगी बाय द रेशियो टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हमें एक सीरीज दी है x की फॉर्म में, और आपको ये चीज़ें बतानी है, तो उसका भी un हमें गिवन है, un है आपका x की पावर n अपॉन n स्क्वायर प्लस वन। ये क्वेश्चन 2019 में भी आया था, अगर आपने मेरे लेक्चर देखे होंगे, मैंने वहाँ पे भी कराया था आपको ये n प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। तो un प्लस वन को un से डिवाइड कर दीजिए, un प्लस वन को जब un से डिवाइड करेंगे
तो एक्स की पावर एन इंटू एक्स लिख देंगे इसको हम, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करके एन स्क्वायर प्लस टू एन प्लस टू, पावर ओपन कर दी मैंने, और ये एन स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर एन। तो एक्स की पावर एन से एक्स की पावर एन कैंसिल आउट होगा और ये हमें देगा सिंप्लीफाई करके, एन स्क्वायर कॉमन लेता हूँ ऊपर से और एन स्क्वायर ही कॉमन ले लेता हूँ नीचे से, और ये आपको इनटू में एक्स मिलेगा। एन को इन्फिनिटी रखने पर यहाँ से तो आपको वैल्यू मिलेगी वन, और ये आपको लिमिट एक्स देगा एन को इन्फिनिटी रखने पर। तो ये जो एक्स एक्स आएगा इसी पर हमारी सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी डिपेंड करेगी, ठीक है। ये सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी, जब एक्स की वैल्यू लेस देन वन होगी, ठीक है। तो ये जो सीरीज है हमारी कब कन्वर्जेंट होगी, जब एक्स की वैल्यू हमारी लेस देन वन होगी। तो लेस देन वन पर हम क्लिक कर देंगे, और x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन वन होगी तो ये डाइवर्जेंट होगी और x इक्वल टू वन पर ये टेस्ट फेल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको एक सीरीज दी है, सबसे पहले उसकी un हमें फाइंड करनी पड़ेगी। अगर un की बात करें तो उसमें वन से टर्म स्टार्ट है और x की पावर जो है उसमें वन के साथ में अगर इसको मैं लिखूँ तो वन इंटू एक्स की पावर जीरो बनेगा, फिर नेक्स्ट टर्म में टू इंटू एक्स की पावर वन बनेगा, थ्री इंटू एक्स की पावर टू बनेगा, डॉट डॉट डॉट। तो यू एन अगर फाइंड करेंगे तो यू एन में आपको वन टू थ्री का एनवर टर्म फाइंड करना है जो कि एन होता है, और एक्स की पावर जीरो वन टू का एनवर टर्म फाइंड करेंगे तो एक्स की पावर एन माइनस वन आपको मिलेगा, ये एक कम हो जाएगा। तो यू एन प्लस वन फाइंड करेंगे, यू एन प्लस वन की वैल्यू होगी एन एक्स की सॉरी एन प्लस वन एक्स की पावर एन, एन प्लस वन और एक्स की पावर एन। तो यू एन प्लस वन को यदि आप यू एन से डिवाइड करते हो तो एन प्लस वन एक्स की पावर एन अपॉन एन इंटू एक्स की पावर एन और एक्स की पावर माइनस वन, ये आपको मिलेगा। तो इनको हम काट देंगे और ये भी हम कॉमन लेकर के वन प्लस वन अपॉन एन लिख सकते हैं, ये ऊपर जाके एक्स मिलेगा। और यदि आप इसकी लिमिट निकालोगे तो इसकी लिमिट एन को इन्फिनिटी रखने पर एक्स मिलेगी। तो जब x लेस देन वन होगा तो कन्वर्जेंट और x ग्रेटर देन वन होगा तो डाइवर्जेंट, ठीक है। और यहाँ पर ये भी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका, लेस देन वन पे कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन पे डाइवर्जेंट। तो बोथ बी एंड सी ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें x की फॉर्म में एक सीरीज दी है जिसका हमें un और un प्लस वन इन सब की ज़रूरत पड़ेगी। तो सीरीज को देखा जाए तो वन से स्टार्ट हुई है हमारी, है ना। तो ये हमें मिलेगा भाई वन टर्म को अगर हम नेगलेक्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उससे आपको इजीली आप इसको फाइंड कर पाएंगे। तो वन को नेगलेक्ट करने पर एक्स की पावर टू फोर सिक्स, टू फोर सिक्स का एनवर टर्म, एक्स की पावर टू फोर सिक्स यानी कि ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, 2n आपको मिलेगा x की पावर 2n। नीचे भी 246 है तो ये भी आपको 2n ही मिलेगा। जब un प्लस 1 निकलेगा तो x की पावर 2n प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन में भी 2n प्लस 2 हो जाएगा। डिवाइड करने पर x की पावर 2n इंटू एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया और ये 2n प्लस 2 को ऐसे लिखा इंटू, ये 2n होगा और अपॉन में आपको मिलता है यहाँ पर x की पावर 2n। तो कुछ चीज़ें कट जाएगी, x की पावर 2n से x की पावर 2n कैंसिल आउट होगा और ये आपका जो 2 से 2 भी कॉमन लेके कैंसिल आउट होगा और ये 1 अपॉन 1 प्लस n इसको हम लिख देंगे और ये इनटू में एक्स स्क्वायर बचेगा। और जब n को इन्फिनिटी लेंगे तो एक्स स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक्स स्क्वायर पर पूरी सीरीज की कन्वर्जेंसी डाइवर्जेंसी होगी। एक्स स्क्वायर लेस देन 1 पर कन्वर्जेंट और एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1 पर डाइवर्जेंट, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर लेस देन वन पर जो है कन्वर्जेंट होगी, तो इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में भी आपको जो है फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करके हमें क्या मिलता है, बिल्कुल सेम तरीके से इसको कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करके जो बाकी सीरीज बनेगी उसका यू एन फाइंड करेंगे तो एक्स की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन होगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल n प्लस वन होगा। डिवाइड करने पर x की पावर n इंटू एक्स और फैक्टोरियल को भी ब्रेक करने पर n प्लस वन फैक्टोरियल n हो जाएगा। ये उल्टा होके फैक्टोरियल n x की पावर n, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे। तो x अपॉन n प्लस वन वैल्यू हमें मिलेगी, है ना। इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ,
इसको सिंपलीफाई करने पर आपको एक्स अपॉन एन प्लस वन वैल्यू मिलेगी। और जब आप इसमें एन को इन्फिनिटी की तरफ टेंड कराएंगे, इसकी लिमिट लेंगे, तो आपको मिलता है एक्स अपॉन इन्फिनिटी, जो कि जीरो वैल्यू देगा। और जीरो वैल्यू लेस देन वन है तो सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगी। और चूंकि एक्स से इसका कोई मतलब नहीं है लिमिट का, ठीक है, तो एक्स पर डिपेंड नहीं करेगी। एक्स की किसी भी वैल्यू को आप ले लीजिए, एक्स की वैल्यू वन लो, टू लो, थ्री लो, फोर लो, फाइव लो, कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ये एक्स की सभी वैल्यू के लिए हमेशा कन्वर्जेंट है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फोर ऑल एक्स के लिए सीरीज कन्वर्जेंट है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये हमारा। 17 पर आते हैं। 17 में भी फर्स्ट टर्म को अगर नेगलेक्ट करें, यूएन फाइंड कर लेते हैं, एक्स लॉग ए, एक्स स्क्वायर लॉग ए का लॉग ए का स्क्वायर, तो यूएन में हमारा आएगा एक्स की पावर एन लॉग ए की पावर एन, और अपॉन में हो जाएगा फैक्टोरियल एन। एक टर्म को लीव करके मैंने ये निकाला। ऐसे ही यूएन प्लस वन निकालेंगे तो एक्स की पावर एन प्लस वन, और ये लॉग ए की पावर एन प्लस वन हमारा होगा, अपॉन में फैक्टोरियल एन प्लस वन आएगा। दोनों को यदि डिवाइड करें तो कुछ टर्म्स कट जाएगी हमारे यहाँ पर, है ना। इसको मैं कैसे काटूँ भाई, x की पावर n इंटू एक्स लिख देता हूँ, और ये log a की पावर n इंटू log a लिख देता हूँ। ब्रेक करने से क्या होगा, काटने में आसानी रहेगी। फैक्टोरियल को भी ओपन कर देता हूँ, है ना, इंटू में जब इसको हम un की वैल्यू रखेंगे वो उल्टी हो जाएगी ऊपर जाके। तो यहाँ पर देखिए आपकी बहुत सारी टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगी। log a से x की पावर n से ये हमारा कट जाएगा, फैक्टोरियल से फैक्टोरियल n कट जाएगा। तो केवल सॉल्व करके हमें यहाँ पर मिलता है एक्स लॉग ए अपॉन एन प्लस वन। और जब आप दोनों साइड में यहाँ पर एन को इन्फिनिटी ले जाओगे, यानी कि लिमिट लोगे एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इधर भी और इधर भी, तो एन को इन्फिनिटी रखने पर एक्स लॉग ए तो आपका एन से इंडिपेंडेंट है, अपॉन में इन्फिनिटी यानी कि जीरो आएगा, लेस देन वन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि एक्स से कोई मतलब नहीं है, ये जो लिमिट है ये डायरेक्ट जीरो आई है। एक्स की आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, फोर ओल एक्स के लिए आपको लेस देन वन ही लिमिट मिलेगी। इसका मतलब ये सीरीज फोर ओल एक्स के लिए कन्वर्जेंट होगी, एंड आंसर विल बी डी ऑप्शन। फिर आप ये भी जानते हैं कि रेबेज टेस्ट इज यूज्ड व्हेन, रेबेज टेस्ट को कब यूज करते हैं, जब रेशियो टेस्ट हमारा फेल हो जाता है, ठीक है, तो उसका बी ऑप्शन होगा। रेबेज टेस्ट इज एप्लीकेबल व्हेन, जब रेशियो टेस्ट में यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की वैल्यू वन हो जाती है तभी तो फेल होता है, तो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। जब हमारी ये लिमिट वन हो जाएगी तो रेबेज टेस्ट एप्लीकेबल होगा। रेबेज टेस्ट की डेफिनेशन आपको पता है कि रेबेज टेस्ट क्या कहता है हमें, कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी और एन यू एन अपॉन यू एन प्लस वन माइनस वन की जो लिमिट है अगर वो एल के इक्वल है तो एल ग्रेटर देन वन पर कन्वर्जेंट होता है, एल लेस देन वन पर डाइवर्जेंट होता है, L इक्वल टू वन पर ये टेस्ट फेल हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आ जाएगा, क्योंकि L ग्रेटर देन वन पे कन्वर्जेंट होगा, L लेस देन वन पे डाइवर्जेंट होगा, और L इक्वल टू वन पे टेस्ट फेल होगा, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कि रेबेज टेस्ट पर ही डिपेंड करता है, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे। तो इसमें फर्स्ट टर्म को अगर नेगलेक्ट करें, फर्स्ट टर्म को नेगलेक्ट करने पर यू एन फाइंड करते हैं 21 में, तो ऊपर जो सीरीज है वो 1 इंटू 3 इंटू 5 हर टर्म में बढ़ती जा रही है, तो 1 3 5 का जो एनवर टर्म होता है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी कि 2n माइनस वन हो जाएगा। ऐसे ही जो नीचे आपकी सीरीज है 2 4 6 बनेगी, 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसका 2n हो जाएगा। x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3 यानी कि x की पावर n हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालना पड़ेगा हमें un प्लस 1 की वैल्यू, तो ये un प्लस 1 की वैल्यू होगी, un प्लस 1 की वैल्यू आएगी 1, 3, 5 डॉट डॉट डॉट, n को n प्लस 1 रखने पर ये आपको 2n प्लस 1 मिलेगा, और इससे पहली टर्म हमारी हो जाएगी 2n माइनस 1, नीचे भी n को n प्लस 1 रखने पर 2, 4, 6 ये आपको 2n और 2n प्लस 2 मिलेगा, और x की पावर हो जाएगी n प्लस 1। और जब भी आप un प्लस 1 को un से डिवाइड करोगे तो ये सारे टर्म्स कट जाएगी हमारी, un प्लस 1 को un से डिवाइड करने पर ये सभी टर्म कटेगी, ये बचेगा हमारा 2n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 2, है ना, और इनटू में आपको मिलता है ये x, बाकी सभी टर्म कट जाएगी। और जब इसकी आप लिमिट निकालोगे, लिमिट निकालने के लिए 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन
वन अपॉन टू एन बचेगा, और ये हमारा यहाँ पर वन प्लस वन अपॉन एन बचेगा। ठीक है, टू एन ऊपर से कॉमन लिया, टू एन नीचे से कॉमन लिया। यस, तो टू एन से टू एन कटेगा, ये हमें वैल्यू मिलेगी। और जब इसमें एन को इन्फिनिटी रखेंगे तो एक्स लिमिट इसकी आएगी, यानी कि रेशियो टेस्ट से एक्स पर डिपेंड करती है सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी। जब एक्स लेस देन वन तो सीरीज कन्वर्जेंट, एक्स ग्रेटर देन वन सीरीज डाइवर्जेंट, और जब एक्स इक्वल टू वन तो ये टेस्ट आपका फेल होगा। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा 21 का, है ना। ऑल ऑफ दीज पर क्लिक कर देंगे, और जहाँ पर ये रेशियो टेस्ट फेल हुआ है एक्स इक्वल टू वन पर, वहाँ पर इस सीरीज के लिए हम रैबीज टेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो नीचे क्वेश्चन है 22, उसमें मैंने एक्स को वन लिखा है। एक्स को वन लिखने का मतलब क्या है कि क्योंकि ये एक्स इक्वल टू वन पर रेशियो टेस्ट फेल हुआ है, तो x इक्वल टू वन अगर मैं यहाँ पर ले लूँ तो आपको x इक्वल टू वन रखने पर ये मिलेगा। तो इसमें रेशियो टेस्ट लगाएंगे। रेशियो टेस्ट का फॉर्मूला जस्ट मैंने ऊपर बताया आपको कि n यू एन अपॉन यू एन प्लस वन और माइनस वन की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसके लिमिट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारी वैल्यू रख देता हूँ, ये आपको मिलेगा n, और ये हो जाएगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का मतलब होगा टू एन प्लस टू अपॉन टू एन प्लस वन और माइनस वन। इसको सिंप्लीफाई अगर करें तो n बाहर रहेगा, 2n प्लस वन तो आ जाएगा LCM, और ये मिलेगा आपको 2n प्लस टू और माइनस 2n माइनस वन। तो ये 2n से 2n भी कैंसिल आउट होगा, 2 माइनस वन वन हो जाएगा, तो ऊपर n अपॉन 2n प्लस वन मिलेगा, है ना। और इसमें हम n को कॉमन लेने पर काट देंगे तो ये 2 प्लस वन अपॉन n आएगा। बस इसी की आपको दोनों साइड में लिमिट ले लेनी है। अगर आप इसकी दोनों साइड में लिमिट लेंगे तो ये आपको वन अपॉन टू मिलेगा, जो कि लेस देन वन होता है। ठीक है, तो जो आपका रैबीज टेस्ट है, लेस देन वन पर सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होती है, तो ये सीरीज हमारी जो है कन्वर्जेंट हो जाएगी। लॉगरिथम टेस्ट को भी कब अप्लाई करते हैं? लॉगरिथम टेस्ट आपका तब अप्लाई होता है जब हमारा रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, और रेशियो टेस्ट फेल का मतलब यू एन प्लस वन अपॉन यू एन की लिमिट वन आए, तो 24 का आंसर सी हो जाएगा। और इसकी डेफिनेशन होती है कि एन लॉग यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की लिमिट अगर एल है तो L ग्रेटर देन वन पर ये कन्वर्जेंट होता है, L लेस देन वन पर ये डाइवर्जेंट होता है, और L इक्वल टू वन पर ये हमारा टेस्ट जो है फेल हो जाता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका ऑप्शन होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 26। ये क्वेश्चन में आपको यू एन गिविन है, जो हो जाएगा वन अपॉन वन की पावर टू प्लस टू की पावर टू थ्री की पावर टू प्लस डॉट 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 एन की पावर टू। इसको अगर देखें तो ये नीचे फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन सिक्स एन इंटू एन प्लस वन और इंटू टू एन प्लस वन का ये फॉर्मूला बनेगा, जिसको मैं सिक्स अपॉन एन की पावर थ्री कॉमन ले लूँगा, अंदर बचेगा हमारा वन प्लस वन अपॉन एन और टू प्लस वन अपॉन एन। ये डायरेक्ट आपका जो है यहाँ पर अगर देखें ये वी एन बन जाएगा हमारा, वी एन सीरीज हमारी बनेगी वन अपॉन एन की पावर थ्री। तो कंपेरिजन टेस्ट से डायरेक्ट हो जाएगा, कंपेरिजन टेस्ट में यहाँ पर पी की वैल्यू थ्री है जो कि ग्रेटर देन वन है, तो ये सीरीज हमारी कन्वर्जेंट होगी। तो इसका ए ऑप्शन हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसका ए ऑप्शन हमारा क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आज के लेक्चर में आपने देखा कि हमने डिस्कस किए हैं रेशियो टेस्ट के क्वेश्चन, और हमने डिस्कस किए हैं रैबीज टेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो रेशियो टेस्ट और रैबीज टेस्ट के क्वेश्चन जो है हमारे यही हो जाएंगे। पर एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है मेरे से, छोटी सी मिस्टेक ये है कि जो रेशियो रैबीज टेस्ट का जो स्टेटमेंट है वो कन्वर्जेंट होता है हमारा ग्रेटर देन वन पर, और लेस देन वन पर डाइवर्जेंट होता है। तो ये जो हमारा 21 का आंसर आया है, 21 का आंसर हमारा वन अपॉन टू आया, जो कि लेस देन वन है। तो लेस देन वन पर जो हमारी सीरीज होती है रैबीज टेस्ट के द्वारा वो डाइवर्जेंट होती है। तो इसका मैंने ये ऑप्शन गलत टिक किया है भाई, ये छोटी सी मिस्टेक है। इसका आंसर डाइवर्जेंट आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं लेस देन वन पर डाइवर्जेंट होती है, और वन अपॉन टू लिमिट आई है जो कि लेस देन वन है, तो उसका आंसर डाइवर्जेंट होगा। बाकी सब इसमें सही है। तो ये हमारा सीरीज वाला पोर्शन ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आऊँगा मैं आपके फोर एट सीरीज़ के। थैंक यू फॉर वॉचिंग।